तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, यहाँ पे फिन निफ्टी और निफ्टी 50 का चार्ट फिलहाल ओपन है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिन निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस की मैंने वीडियो कल बनाई हुई थी आप सभी को। स्पेशली हम लाइव आए हुए थे और लाइव चार्ट पे आप सभी को हमने कुछ चीजें समझाई हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि चार्ट बनने के बाद में तो बहुत सारे लोग बता देते हैं यहाँ जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। मैं कैंडल बनने से पहले आप सभी को यहाँ पे मोमेंटम सिखाता हूँ कि कैसे किस साइड में क्यों मोमेंटम हो सकता है। तो लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री है आपका, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो, अदरवाइज पुराने हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जा रही, बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दो। वो भी किए हैं तो भैया 9 बजे आ जाया करो, 9:30 बजे हम शेड्यूल कर देते हैं और 5-6 घंटे आप स्टार्टिंग में लाइव रहेंगे कंटिन्यू आप छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही मैं कोई पेड कोर्स बेचता हूँ, इसलिए प्लीज किसी को कोई पैसा मत दीजिएगा। थोड़ी सी चीजें समझाएंगे, लर्निंग करेंगे, देन उसके बाद में बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे, निफ्टी और फिर निफ्टी भी देखेंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इत्मीनान में वीडियो को देखें, क्योंकि अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे में बता जाता हूं जो कि मैं मुझे याद नहीं रहती और ना मैं प्री प्लांड करके बैठता हूं कि मुझे आज ये बोलना है। ठीक है, निफ्टी 50 में किसी ने पूछा था कॉल साइड में, तो हमने शायद मना किया हुआ था या फिर स्कैल्पर्स के लिए यहां पे एक कैंडल बनी हुई थी, 15 मिनट की कैंडल है ये। फिर निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, और ये सेलिंग जोन बताया हुआ था और ये रेंज बताई हुई थी कि यहां से एक डिमांड बन रहा है, मतलब डिमांड बना हुआ है तो यहाँ से जा सकती है। अदरवाइज हालांकि ये भी नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे सस्टेन किया, अभी बताएंगे कैसे क्या होने वाला है। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई है, ऊपर कहाँ से नहीं गई है, ट्रेंड लाइन हमने खींची हुई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी ये हमने खींची हुई थी और दोबारा से पुट में पोजिशन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बन रही थी। और ये देखिए आप जादू देखिए, सिर्फ आप जादू देखिए, ये वाला यहाँ पे जाके सस्टेन करके जब ये टच किया है उसके बाद से फिर से नीचे का मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, और 1-2 पॉइंट नहीं 10 पॉइंट नहीं, अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी 50 में 24,200 से लेकर 24,000 तक का, मतलब 150-200 पॉइंट का मोमेंटम आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला है इंडेक्स का। तो ये जीरो हीरो नहीं है तो और क्या है, जीरो हीरो मान लो ठीक है, निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी नहीं थी, फिर निफ्टी में थी, तो फिर निफ्टी में भी यही चीजें बताई हुई थी आप सभी को। कल के एनालिसिस वीडियो में भी हमने ऊपर से नीचे के ये लेवल बताए हुए थे तो ये लेवल अचीव हुए, लाइव मार्केट में भी आया तो यहाँ पे हमने आप सभी को ये चीजें बताने का प्रयास किया तो ये चीजें भी अचीव हुई। तो देखिए, अगर लर्निंग है तभी अर्निंग है, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो कुछ होने होने वाला है नहीं। चलिए चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कहाँ पे गया हम तो भूल जाते हैं, ये है, ये धन का चार्ट है तो हम यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स लगा देते हैं। आप भी ओपन अगर करना चाहें धन में अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे अगर ओपन करते हैं तो हम आप सभी को लर्निंग ग्रुप में जोड़ देते हैं, जहाँ पे हम अभी लाइव भी आने वाले हैं, मतलब जूम पे लाइव आने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम 1-to-1 अट्रैक्ट भी होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी हमारी बहुत सारी कॉन्टेक्ट लिंक्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी आपको। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार से मेरी कोई स्कीम नहीं चलती, इसलिए प्लीज किसी भी बहकावे में किसी के ना आए। मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी पैसा मांगे किसी भी तरह का, लॉस रिकवरी या फिर अकाउंट हैंडलिंग का, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, किसी को कोई पैसे मत दीजिएगा। चलिए अब हम पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी और हम यहाँ पे चार्ट खोली है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगभग थोड़ा सा सिमिलर चलती हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था जहां से ये लेवल 50,600-50,700 के आसपास में, वहां से मार्केट गिरी हुई है तो एक लेवल हम यहाँ से लगा देते हैं सबसे पहले, चूंकि देख सकते हैं कि एक यहाँ से यहाँ पे जब मार्केट आई थी तब बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे गिरावट करी थी, उसके बाद ऊपर की तरफ इतना बड़ी हुई थी, फिर यहाँ पे आज भी मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर गई और ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आई। तो यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, मतलब जो पीछे मार्केट में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, फिर मुझे वही चीजें देखने को मिल रही है, तो मतलब कोई ना कोई चीज यहाँ पे होगी। जैसे 15,200 पे मुझे ये चीज मिल रही है, ये देखिए यहाँ से गैप अप तो हुई, लेकिन नीचे से जैसे यहां से उठी है और उसके बाद नीचे गिरी है इतना, वैसे ही यहाँ से भी उठ जाने के बाद में फिर से नीचे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई और यहाँ तक नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करिए। तो अभी आज का जो डे लो है, ये डे लो होगा आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। कल देखना होगा कि ये ब्रेक करता है कि नहीं करता है, तो इस पे हम क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 700 से 600, 650 के आसपास में ये लेवल, इस तरह से ये हमारा लेवल होगा। पीछे देखते हैं कहीं सपोर्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 49,600 40 या 50 के आसपास ब्रेक डाउन देती है, तो फिर थोड़ा बेरिस और आपको दिखाई देगा। अदरवाइज ये लेवल आप सभी चार्ट पे देख सक चार्ट पे लगा सकते हैं, कल के मोमेंटम को यहां से कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रेड करने के लिए कहता नहीं हूं मैं किसी से, डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है और हमने स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर आपको दे दिया हुआ है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो नीचे कोई सपोर्ट वपोर्ट दिखता है, नहीं दिखता है तो हम इसको डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे ताकि मुझे चीजें समझ में आ जाए। ये देखिए, इन सारी चीजों को सबसे पहले हम हटाते हैं क्योंकि ये पहले की चीजें हैं जो चार्ट पे ड्रा थी, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं, ठीक है। हम करते क्या है, हम यहाँ से रिट्रेसमेंट का टूल लेते हैं, ऊपर हाई पर लगाते हैं, एग्जैक्ट देख सकते हैं 50% के आसपास में है। अगर नीचे की तरफ आती है तो हम 61% के लेवल पे एक लेवल और मार्क कर लेते हैं। और मुझे ये लेवल भी दिखाई दे रहा है, ये वाला कैंडल, डे की कैंडल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मतलब 48,890 तक भी आ सकती है। बैंक निफ्टी में हमें 100 100 पॉइंट्स के लेवल पे टारगेट लेना होता है, ये मैंने आप सभी को कई बार ही लाइव वीडियो में बताया है। जुड़ते हैं अगर लाइव में तो आप सभी भी जानेंगे सीखेंगे। बाय द वे, अगर यहां से जाती है ऊपर की साइड में तो कहाँ तक जाएगी, यहीं से अगर ऊपर जाना स्टार्ट होती है, जो कि बहुत कम चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, भले ही सस्टेन रह जाए, तो इसके लिए हम ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का टूल लेंगे और यहीं से हम मार्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्ट लेंगे। ये सारी चीजों की वीडियो बनी हुई है। आज किसी ने कमेंट किया था लाइव वीडियो में कि मुझे फिब रिट्रेसमेंट की न्यू वीडियो चाहिए, तो न्यू वीडियो भी मैं बना दूंगा आप सभी के लिए। तो एक तो मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है और दूसरा ऊपर की साइड में मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है, और इसको हम करेंगे इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क। बाकी जब डे हाई ब्रेक, मतलब डे हाई क्या, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो ऊपर के कुछ और मोमेंटम, अदरवाइज तब तक के लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। 15 मिनट पे अगर हम इसको लगाएं तो कुछ इस तरह से होते होंगे, मैं लिख के भी यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। एक सेकेंड, आप सभी भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो रेड लाइन लगी हुई, ये आज का समझ लो या फिर यूं कहें कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जाती है, अदरवाइज 49,647 से नीचे की साइड आती है तो 49,400, 48,890, इसके बीच में भी एक जो लेवल मिलेगा, मिल सकता है, मतलब वो 48,000 के आसपास, 50 पॉइंट बफर करके चलेंगे, 50 पॉइंट ऊपर या नीचे इंडेक्स का, ठीक है। इसके ऊपर अगर रहती है, मतलब 49,700 के ऊपर जब तक है, तब तक 50,000 और 50,200 और 50,500, बीच में यहाँ पे लेवल दिया नहीं है लेकिन इसको ले ले सकते हैं, 500 और 50,700 थ्री है, हम 700 ही करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले, इनको मार्क कर लीजिएगा, अपने हिसाब से लर्निंग कीजिएगा। बाकी अब हम निफ्टी और फिर निफ्टी की नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो तो उस पर रिटेंशन कम आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो मज़ा नहीं आता, अच्छा बोरिंग भी लगने लगता है। इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक आते हैं तो हम निफ्टी 50 और फिर निफ्टी की जो है वीडियो पब्लिक करेंगे, अदरवाइज बनी की बनी रह जाएगी, ये समझ लीजिए। तो प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहें, अपना लाइव मार्केट में जुड़ना ना भूलें,
आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं शेयर कर देता हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सर्च करके जाएंगे तो बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, उन्हें मत ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।